नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द एसपी शर्मा क्लासेस। देखो बच्चों, जब हम क्लास में बात करते हैं पढ़ाई की कि किस तरीके से पढ़ना, हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं, कुछ लॉजिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको लॉजिक आने चाहिए, मतलब उनको रटना नहीं होता, समझना होता है। लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, तो इनमें याद करने ही पड़ते हैं आपको, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पर किसी भी चीज को कैसे याद कर सकते हैं उसका एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लिया आपकी क्लास में 3 स्टूडेंट हैं, ठीक है। क्लास में हमारे कितने स्टूडेंट हैं? 3 स्टूडेंट्स। इनको मैंने एक चैप्टर पढ़ने के लिए कहा, ठीक है। लेकिन किस तरह से इनको कंटेंट दिया, तो पहले स्टूडेंट को, फर्स्ट स्टूडेंट को मैंने एक नोट्स दे दिए या किताब है उसके पास, तो उससे कहा कि भाई आपको बुक से रीडिंग करके आनी है, ठीक है, और इस चैप्टर को पढ़ना है। दूसरा स्टूडेंट है जो सेकंड स्टूडेंट है, सेकंड स्टूडेंट को मैंने कहा कि भाई आपके पास एक कॉमिक्स है, क्या है? कॉमिक्स। और यही जो कंटेंट इस बुक में है, यही वाला चैप्टर कॉमिक्स की फॉर्म में है। और तीसरे बच्चे को एक वीडियो दे दी, मतलब जो मान लिया इस बुक में जो स्टोरी बनी हुई है उस चैप्टर की, वो यहाँ पे कॉमिक्स की फॉर्म में है, यहाँ पे एक वीडियो की फॉर्म में है। तो 3 बच्चों को दे दी। तो आप ये बताओ, सबसे इजी, सबसे अच्छी तरीके से, सबसे जल्दी और देर तक याद किसके रहेगा इसमें, पहले बच्चे के, दूसरे के या तीसरे के? कौन इजीली याद कर लेगा उस चैप्टर को, बताइए बेटा? तीसरा बच्चा। अच्छा, आपने कहा थर्ड बच्चा जो है ये सबसे जल्दी कैप्चर करेगा उस टॉपिक को। अच्छा, दूसरे नंबर पे? दूसरे वाला और सबसे बाद में ये करेगा, ठीक है। आपको पता, जैसे मान लिया आपको अगर किताब में से पढ़ने दिया जाए तो आप कुछ चीज पढ़ते हो, थ्योरी पढ़ते हो, तो आप कुछ टाइम बाद उसको भूल भी जाते हो, पढ़ने में भी टाइम लगता है। लेकिन अगर वही चीज आपको, वही स्टोरी आपको कॉमिक्स की फॉर्म में दे दी जाए, तो कॉमिक्स में पिक्चर्स होती हैं, तो बच्चे इंटरेस्ट भी आता है पढ़ने में और वो समझ में भी आती है, इमेजेस से रिलेट करता है, ज्यादा देर तक याद भी रहती है, ठीक है। तो इसके बाद जो है, अगर तीसरे नंबर पे हम बात करें वीडियो, वीडियो सबसे ज्यादा, अगर कोई चीज वीडियो की फॉर्म में दिखा दी तो वो ज्यादा टाइम तक आपके याद भी रहती है। जैसे कोई मूवी आपने या कोई सीरियल आपने 10 साल पहले भी देखा होगा, तो अब तक भी आपके याद है उस मूवी के जो कैरेक्टर्स हैं, डायलॉग्स हैं, वो स्टोरी है, वो याद रहती है। ऐसे ही इसका क्या लॉजिक है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो हमारा माइंड है, वो माइंड हर चीज को फोटोज यानी इमेजेस की फॉर्म में स्टोर करता है। माइंड में जो भी चीज स्टोर होती है किस फॉर्म में होती है? इमेजेस की फॉर्म में, टेक्स्ट की फॉर्म में नहीं होती। जो भी चीज हम देख रहे हैं, जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं, चाहे वीडियो हो, उन सबकी फोटो क्लिक होती रहती है और वो हमारे माइंड में स्टोर होती रहती है। तो जब माइंड से रिकॉल होती है, तो रिकॉल भी हमारे पास फोटोज ही होते हैं। तो अगर कोई चीज हम इमेजेस की फॉर्म में या वीडियो की फॉर्म में करेंगे, तो वो हमें ज्यादा देर तक याद रहेंगी और समझने में भी आसानी होगी, ठीक है, उसको हम इजीली समझ भी पाएंगे रेदर देन टेक्स्ट। तो जैसे हम बेसिकली कोई थियोरेटिकल सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं, तो थ्योरी पढ़ने वाले में भी आपको कुछ निमोनिक सिखाए जाते हैं, कुछ टेक्निक सिखाई जाती हैं, वो इसीलिए सिखाई जाती हैं कि आप उसको रिलेट कर लो किसी पिक्चर, किसी इमेज के थ्रू, ठीक है। जब आप उसको रिलेट कर लोगे तो आप उसको इजीली कर सकोगे, पढ़ सकोगे, याद कर सकोगे और लॉन्ग टर्म्स तक आपके माइंड में वो रहेंगी। अब देखो, जैसे आज हम यहाँ पे स्टार्टिंग कर रहे हैं रीजनिंग। रीजनिंग में क्यों ये चीजें बताई मैंने, क्योंकि देखो रीजनिंग में एक क्वेश्चंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्फाबेट से रिलेटेड। जो अल्फाबेट्स हैं, अल्फाबेट से रिलेटेड आते हैं आपके पास क्वेश्चंस, कि आपसे पूछ लिया एम कौन से नंबर पे होता है, एन कौन से नंबर पे होता है, के कौन से नंबर पे होता है, वी
बी कौन से नंबर पे होता है, या लेफ्ट से 15वां कैरेक्टर कौन सा होता है, राइट से 13वां कैरेक्टर कौन सा होता है अल्फाबेट्स में, ठीक है। तो ये सब रीजनिंग में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको लेटर के कॉम्बिनेशंस भी बनाने होते हैं कि इसको ऐसे लिखते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे। तो वो करने के लिए, सोल्व करने के लिए बच्चे क्या करते हैं कि भाई पेपर में ए बी सी डी ऐसे लिख ली, उनके ऊपर 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिखते चले गए, ठीक है। तो ये सारी चीजें लिखते रहते हैं जिससे उनको क्या होता है, टाइम लगता है कैलकुलेट पे, उसमें देखेंगे इस नंबर पे ये आ रहा, इसमें ये आ रहा, तब बनाएंगे। तो हम कुछ ऐसी चीज की आपसे कोई भी पूछे कि ये वाला लेटर कौन से नंबर पे है या इस नंबर पे कौन सा लेटर है, तो आप पलक झपकते ही सेकंड में बता दो उसको और परमानेंटली याद हो जाए आपके, आपको बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े, उससे जो है आपका टाइम बचेगा। देखो जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हो तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम स्कूल की तरह नहीं कि आपको 3 घंटे में 35 क्वेश्चन करने स्कूल में, ठीक है। कॉम्पिटेटिव में क्या होगा, आपको 3 घंटे में या तो 300 क्वेश्चंस होंगे या 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चंस करने को मिलेंगे, ठीक है। तो भाई यहाँ पे 3 घंटे में 300 या 2 घंटे में 200 क्वेश्चन जब आप कर रहे हो तो आप देख रहे हो आपको एक क्वेश्चन के लिए लगभग 30 सेकंड के करीब मिलते हैं, उसमें आपको क्वेश्चन पढ़ना भी है, सोल्व भी करना है और आंसर भी देना है। तो आपको स्मार्ट भी होना पड़ेगा, फास्ट भी होना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको क्वेश्चंस आते हैं सारे के सारे, 300 के 300 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आप 2 मिनट में एक क्वेश्चन कर पा रहे हो तो आप 3 घंटे में 90 क्वेश्चन ही कर पाओगे, ठीक है, पेपर आपका छूट जाएगा। तो फायदा क्या, आपको फास्ट स्पीड भी होनी चाहिए। तो अब मैं आपको ऐसे, आपने देखे होंगे ऐसी ट्रिक भी दिखाई होंगी कि एक बोर्ड पे कुछ नंबर लिखे हुए, एक पर्सन ने आया और एक बार नंबर देखे और उसके बाद बोर्ड से पीछे कर मुंह कर लिया, ठीक है, और फिर कोई सा भी नंबर पूछो कि इस नंबर पे क्या लिखा, इस पोजीशन पे क्या है, इस पोजीशन, फटाफट बता देते हैं। तो वो सब मेमोरी गेम क्या होते हैं, वो मेमोरी गेम इमेज के थ्रू होते हैं। तो ये इसको एक एग्जांपल के थ्रू अभी समझते हैं। अभी आप यहां पे देखेंगे बोर्ड पे मेरे पीछे कुछ ये अल्फाबेट लिखे हैं, इंग्लिश के अल्फाबेट्स लिखे हैं, उनके ऊपर उनके नंबरिंग भी लिखे हुए हैं। मैंने बोर्ड से मुंह इधर कर लिया है, मुझको अभी ये नहीं दिखाई दे रहे। अब बच्चे आप मुझसे है ना कोई भी नंबर पूछो या कोई भी अल्फाबेट्स पूछो कि कौन से नंबर पे, या जैसे आपने पूछ लिया कि एम कौन से पे, के कौन से पे, इस तरह से पूछो, मैं बताऊंगा, ठीक है। एक्स कौन से नंबर पे, एक्स बेटा 24 नंबर पे आता है, एम 13 नंबर पे आता है, जे 10 नंबर पे आता है, एल जो है 12 नंबर पे आता है, सी 3rd नंबर पे आता है, एच 8 नंबर पे आता है, 16 पे पी आता है, और 21 पे यू आता है, 6 पे जो है आपका एफ आता है, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, हमने कोई कैलकुलेट नहीं लिखा, नहीं एकदम बता दिया। आप भी पीछे यहाँ पे देख रहे होंगे बोर्ड पे इन नंबर्स के बारे में, जो मैंने बताया वही नंबर्स आ रहे होंगे, ठीक है। अब ये आप कैसे याद कर सकते हो, किस तरीके से आपके माइंड में बन जाते हैं, तो हम इमेज के थ्रू इन चीजों को समझेंगे। देखो जैसे ये लेटर्स हैं, सबसे पहले आपने पढ़ा भी होगा अगर आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं पहले, कि आपको अल्फाबेट्स की नंबरिंग करने के लिए एक ट्रिक बताई जाती है जिसको बोलते हैं एजोटी, ठीक है। ये ट्रिक होती है हमारे पास क्या, एजोटी। ये एजोटी क्या है, एजोटी का मतलब हमारे पास कुछ जैसे वोवेल्स होते हैं, आप ये 5 वोवेल्स रख लेते हैं, ऐसे ही हमारे पास पोजीशन याद करने के लिए एक एजोटी होती है। एजोटी में ये 5 का टेबल होता है, ये 5 नंबर पे, ये 10 पे, ये 15 पे, ये 20 पे और ये 25 पे। तो जब भी आपको कोई लेटर पूछा जाए कि किस नंबर पे, तो आप रिकॉल करो कि क्या वो एजोटी में है, एजोटी से आपको पता चल जाएगा फटदेसी कि ये इस पोजीशन पे होगा। अब हर नंबर तो एजोटी में नहीं है, बाकी क्या है, देखो हर चीज का एक लॉजिक होता है,
ठीक है, कि आपसे कहा जाए कि भाई ये एफ 6 नंबर पे क्यों बनाया गया, एफ को यहां भी बना सकते थे एच की जगह, या जी 7 पे क्यों रखा गया, ओ 15 पे क्यों रखा गया, पी 16 पे क्यों रखा गया। इसके पीछे भी लॉजिक है कि हर लेटर की, हर कैरेक्टर की पोजीशन ये ही क्यों है। ठीक है, तो देखो यहां पर आप अगर आपको 5 लेटर का कॉन्सेप्ट बताया, एक एजोटी, एजोटी से आपको पोजिशन पता चल जाएगी। दूसरी चीज हमारे पास, अगर आपसे कोई पूछे ए बी सी डी की क्या पोजीशन है, तो ये तो कोई भी बच्चा भी बता देगा, ठीक है, कि ए पहले पे आता है, बी दूसरे पे, सी तीसरे पे, और डी चौथे पे, ए बी सी डी, ए बी सी डी तो करते ही रहते हैं। जेड की पूछे तो वो भी बता देंगे कि 26वें पे आता है, बाकी बीच वालों को कैसे आप रिकॉल करोगे। तो अब देखो इनके लॉजिक समझते हैं हम। एफ से शुरू करेंगे क्योंकि ए बी सी डी में तो कोई है ही नहीं बात। ई जो है हमारे पास एजोटी में आ गया 5वें नंबर पे। अब हम बात करते हैं एफ की। तो देखो अगर हम F की बात करें तो ये जो F है इसकी शेप को अगर ऐसे मिला दिया जाए तो ये कुछ कुछ हमारे पास ऐसे बन गई ये, ठीक है, और इसको अगर उल्टा करके लिखा जाए तो ये 6 की तरह बन रहा है। क्या बन रहा है? 6 की तरह। तो इसका मतलब क्या है? F 6 नंबर पे होता है, ठीक है भाई। 6 नंबर पे भी हो सकता है, 16 पे भी हो सकता है, 26 पे भी हो सकता है। 26 पे आपको पता ही है जेड होता है, और F जल्दी आता है तो 6 नंबर पे ही होगा। अच्छा, इसी तरह से आप यहां पे देख रहे हैं ये P भी बन गया है, F को ऐसे करा तो P भी बन गया है। तो F तो हमारे पास 6 नंबर पे हो गया, और P फिर इसके बाद आता है तो ये 16 पे हो जाएगा। तो आप शेप से उसके माइंड में शेप को रिकॉल करना है आपको, और आपको पोजीशन पता चल जाएगी कि ये 6 की शेप में है, तो 6 पे F होगा और 16 पे P होगा। अब आते हैं नेक्स्ट लेटर है हमारे पास G। देखो जब G को लिखते हैं तो लिखने का तरीका क्या, G में देखो क्या बन रहा है, 7। क्या बन रहा है? 7। तो G कौन से नंबर पे होगा? 7 नंबर पे होगा। G के अंदर अपने आप ही 7 है, ठीक है। G के बाद हमारे पास आता है H। तो H है ये, तो H में ये मिला दो क्या बन गया, ये 8 बन गया। क्या बन गया भाई? 8 बन गया। तो H क्या आता है? 8वें नंबर पे। ऐसे ही अगर R देखेंगे आप, R को ऐसे कर दो, ये भी क्या बन गया? 8 की शेप, तो R आएगा 18 नंबर पे, ठीक है। H कौन से नंबर पे हो गया? 8 नंबर पे। R कौन से नंबर पे हो गया? 18 नंबर पे हो गया। अब देखो I लिखते हैं तो I को हम ऐसे लिखते हैं, I तो अपने आप ही 9 बन रहा है, तो 9वें नंबर पे होगा। I को लिखने का तरीका ये है, तो I कौन से नंबर पे हो गया? 9 नंबर पे, ठीक है। इसके बाद आता है J। तो J एजोटी के अंदर आता है, तो एजोटी में 10वें नंबर पे होता है, दूसरा लेटर है एजोटी में ये, तो ये 10वें नंबर पे हमारे पास हो जाएगा, आई 9वें नंबर पे। फिर आता है हमारे पास के। तो के में देखो डंडा बना हुआ है एक, ये इस तरह से, यानी 1 आ रहा है, ठीक है। तो या तो 1 नंबर पे हो सकता है, या 11 पे, या 21 पे। तो ये जो इस तरह से बन रहा है, तो दो बार 1 लिखना, मतलब 11 नंबर पे होता है, शुरू में ही होता है 1। तो 1 क्या आ गया इसमें, तो हमारे पास K क्या हो गया? 11 नंबर पे हो गया, ठीक है। तो I, J, K, L की बात करते हैं। L जो है हमारे पास, देखो L और V को अगर आप समझेंगे तो L और V में दो दो लाइन है, L में भी दो लाइन है, V में भी दो लाइन है। तो दो लाइन आप लिख लो, तो ये पहले आता है, ये 12वें पे होगा, ये बाद में आता है, ये 22वें पे होगा, ठीक है। तो L और V के बारे में आपको पता चल गया कौन से नंबर पे होंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं L के बाद, ठीक है, M की बात करते हैं, तो M हो गया या W हो गया, उल्टी शेप है एक दूसरे की। तो इसको अगर हम इस तरीके से राइट में घुमा दें तो ये 3 की तरह बन गया, इसको ऐसे लेफ्ट में घुमा दें हम यहाँ पे, ये भी 3 की तरह बन गया। तो ये 13 नंबर पे और ये 23 नंबर पे हो गया, 3 आ रहा है इसमें, ठीक है। तो शेप से हमें पता चल जा रहा है, याद करने की आपको पोजिशन कोई जरूरत ही नहीं है, बस शेप को रिकॉल करना है, ठीक है। इसके बाद अगर N की बात करें तो N जो है हमारे पास, आप देख रहे हैं ये N, अगर इसको ऐसे लिख दें तो ये रोमन में 4 बन गया,
रोमन में क्या बन गया, फोर बन गया, ये डंडा अलग कर लिया और वी अलग कर दिया, वन वी हो गया मतलब फोर, तो ये फोर नंबर पे है हमारे पास, फोर मतलब फोर्टीन हो गया, ठीक है, फोर आ गया मतलब फोर्टीन नंबर पे हो गया। ऐसे ही बेटा एक्स होता है, एक्स भी रोमन में अगर इसके ऊपर का उठा दिया तो ये भी क्या बन गया, एक रोमन बन गया, तो ये रोमन में जो भी लेटर आ रहे वो हमारे पास फोर पे लेके आने हैं आपको, ठीक है, रोमन वाले। ये चौदह पे है तो ये 24 पे होगा। इसमें एक और है यहां पे नीचे भी उल्टा भी है, तो उसको चाहे आप पहले करके लिख लो या ऐसे समझ लो कि जो भी रोमन में बन रहे एक 14 पे एक 24 पे है, ठीक है। अब ओ आ जाता है, ओ एजोटी में होता है तो 15 नंबर पे होता है वहां पे, ठीक है। इसके बाद पी आपको बता ही दिया है हमारे पास एफ की तरह होता है, 16 पे होता है। इसके बाद हमारे पास आता है एक एक्स, एक्स जो है हमारे पास वो कितने पे होगा, तो एक्स एक्स से पहले हमारे पास क्यू समझ लेते हैं, इसके बाद आता है हमारे पास पी के बाद क्यू, ठीक है। तो क्यू जो है, एक्स तो हमने यहां पे समझ ही लिया है, क्यू जो है हमारे पास, क्यू मतलब क्वीन की तरह समझ लो इसको, ऐसे एक स्टोरी की तरह समझ लो, एक क्यू और यू, क्यू मतलब क्वीन, यू मतलब तुम, ठीक है। तो क्वीन है, रानी है, रानी 17 साल की है, और यू मतलब तुम 21 साल के हो, तो अपने से रिलेट करो एक क्वीन को एक रानी को, कि एक रानी है, ठीक है, वो 17 साल की है, ठीक है, तो 17 साल की रानी और 21 साल का राजा, राजा यू लिखते थे है ना, तो यू मतलब इस तरह से वाई ओ यू को तुम बोल देते हैं, या शॉर्ट में हम यू लिख देते हैं। इसके बाद आर का आपको बता ही दिया है कि आर जो है हमारे पास किस तरीके से बनता है, 18 नंबर पे होता है, 8 की तरह बनता है। एस जो है, एस में अपने आप देखो यहाँ पे शेप आ रही है 9 की, तो आई 9 पे, एस 19 पे होगा। टी मतलब हमारे पास टी 420 होता है, टी 20 मैच भी होते हैं और टी 420 भी होता है, तो टी अपने आप ही 20 पे है। यू आपका 21 नंबर पे हो गया, ठीक है। 22 पे आपको V बता दिया है, 23 पे आपका W हो गया, 24 पे आपका X हो गया, 25 पे AJOT में हमारे पास Y होता है, ठीक है, तो ये हमारे पास 25 पे हो गया, 26 नंबर पे हमारे पास Z हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास सारे अल्फाबेट्स के नंबरिंग हो गए हैं, कौन सा अल्फाबेट्स कौन से नंबर पे आता है, आप इजीली कर सकते हैं। ऐसे भी इजीली हम देख लेते हैं, S फॉर सचिन, ठीक है, जैसे हमारा नाम है, या एसपी शर्मा जैसे आप बात करते हैं एस से, और 19 नंबर पे, 19 ही हमारा डेट ऑफ बर्थ है, तो उससे पता चल जाता है 19 क्या है, हमारा डेट ऑफ बर्थ, एस से हमारा क्या है, नाम है, ठीक है। तो ये जो है यहां से ही रिकॉल कर सकते हैं ऐसे ही। और आर जो है 18 नंबर पे है, आर जो है उससे हमारी वाइफ का नाम भी है, आर से स्टार्ट होता है, तो वो वाइफ हमारे साथ ही लगी हुई है यहीं पे, ठीक है, तो आर ऐसे एक ही साथ है यहाँ पर। तो बेसिकली हमारे पास जो है आर एस को आप ऐसे भी याद, कोई भी अपने अपना बर्थडे से कोई किसी का बन रहा है या साथ वाले के, वो भी कर सकते हैं, नहीं तो सेप के थ्रू भी हम याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने पोजीशन, अगर आपसे कोई भी पूछे कि इस नंबर पे क्वेश्चन आ जाए कि इस नंबर पे कौन सा लेटर है, आप फट दे सी बता देंगे, 16 पे पी होता है, 17 पे क्यू होता है, 13 पे जो है एम होता है, 23 पे जो डब्ल्यू होता है, ठीक है, 15 पे ओ होता है, इस तरीके से आप बता सकते हैं, या ये लेटर कौन से पे होता है। तो अगर ये नंबरिंग हमने लिखी तो ये लेफ्ट से चल रही, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि राइट से कैसे निकालें, अगर आपसे पूछ लिया गया है राइट से दूसरा कौन सा है, राइट से पांचवा कौन सा है, राइट से तेरहवा कौन सा है, ठीक है, ये तो लेफ्ट से बन गए, तो उसके लिए क्या होता है, देखो राइट से पूछा जाए, ठीक है, राइट से, तो आपको क्या करना है, जो नंबर आपसे पूछा गया कि इस पोजीशन पे, उसको 27 में से माइनस कर देना, 27 में से, ठीक है। जैसे आपसे पूछा गया राइट से फोर्थ लेटर बताओ क्या है, तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट से ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, राइट से नहीं करना, आपको क्या करना, लेफ्ट से ही करना, लेकिन 27 में से 4 घटा दो तो कितना बचा, 23, तो लेफ्ट से 23 नंबर पे कौन सा आता है, पता आपको W आता है भाई, तो इसका आंसर W, यानी राइट से चौथा क्या बनेगा,
W बनेगा जो लेफ्ट से 23वां है। आप देख सकते हैं राइट से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे पे क्या है, W है। ठीक है, ऐसे ही आपसे पूछा गया कि भाई आप बताओ राइट से 11वें नंबर पे कौन सा है, तो 11 को आप जो है 27 में से माइनस कर दो, 27 माइनस 11 क्या होते हैं 16, तो लेफ्ट से 16वें नंबर पे क्या होता है, P होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया हमारे पास, P हो गया। आप यहां पर देख सकते हैं ये 16वें नंबर पे हमारे पास P हो गया। इस तरीके से कैलकुलेट, अभी आपको इन शेप्स को मेमोराइज करना है, समझना है, ठीक है, ये कैसे शेप बनती हैं। अब फिर हम आपको ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, लेफ्ट से इतना, राइट से इतना, फिर लेफ्ट राइट के कॉम्बिनेशन, लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट, लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट के कॉम्बिनेशन से बनेंगे, फिर उसके आगे और क्वेश्चंस बनेंगे, वो चीजें सिखाएंगे।